वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लास। अभी तक पिछले वीडियो में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास समझाया और उसके साथ साथ मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में समझाया। आप पिछला अगर नहीं आपने अभी तक वीडियो देखा है तो पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए कि मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन और इसके साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूं। मोल कॉन्सेप्ट जो था आपका, इसे मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूं एम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में। अब जरा समझिए, एम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पीरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जिसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा फार्मूला जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। अब जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पीरिकल फार्मूला से थोड़ा अलग होता है। अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा, ये कोई सिंपलेस्ट रेशियो ना हो करके, बल्कि क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे अगर ये डिस्कस किया जाए कि एम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या डिफरेंट है, तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट एग्जैक्ट कितने नंबर्स में प्रेजेंट हैं ये बता सकते हैं। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी फार्मूले का क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग कभी भी अगर आपसे कैलकुलेशन करने के लिए बोल दे कि बताइए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एम्पीरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब कैसे क्वेश्चन देगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड में 4.07% हाइड्रोजन है और 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन उसके अंदर प्रेजेंट है, और देखिए कह रहा है इट्स मॉलिक्यूलर मास 98.96 ग्राम। अब देखिए, ये सारा चीज आपको दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, एक बार बढ़िया डिटेल से समझिए इसको। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपका जो कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, और साथ ही साथ जो है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन भी दिया रखा है, क्लोरीन का भी परसेंटेज दे रखा है। और उसके साथ साथ देखिए, यहां पे जो आपका क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप ये समझिए, जो है सबसे पहला काम होता है स्टेप वन, जो आपका कहता है, ये कह पहला काम आपको क्या करना है कि कन्वर्जन कन्वर्जन करना है। किसका? कन्वर्जन मास परसेंट टू ग्राम। जो भी मास परसेंट आपका दिया है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ जो है चीजें रिपीट करते हुए चलिए। अब देखिए, मास परसेंट को कन्वर्ट करना है तो कहना क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल जो एलिमेंट है यहाँ पे दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन और जो क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इसको ओवरऑल हम लोग जो है 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100। अगर हम 100 मान लें तो ये जो लिखा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दे रहा है बेटा, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आपको लिख रहा है कि 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 point, क्योंकि हम लोग 100 ग्राम में से मान लेते हैं इसको, 4.07। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.07 ग्राम बोल दीजिए इसको। क्या बोल दीजिए? 0.07 ग्राम। अब देखिए, जो कार्बन बोल रहा है, ठीक है, अब इसको जो है कार्बन जो बोल रहा है परसेंटेज में दिया था,
अब परसेंटेज जगह पर कार्बन को क्या करिए, कार्बन का जो मास है वो रख दीजिए। अब मास हम लोग किस में मान रहे हैं बेटा, कार्बन के मास को हम लोग किस में मान रहे हैं, तो देखिए हम लोग मास किस में निकाल रहे हैं, कार्बन है, कार्बन का मास आप ले लीजिए कितना ग्राम, 24% दिया था तो इसको आप ले लीजिए 24 ग्राम मान लीजिए, 24.27 ये आपका हो गया कार्बन का मास। तो ये इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है क्लोरीन जो दे रखा है आपका कितना 71.65, तो आप क्या करिए क्लोरीन के मास को लिख दीजिए आप क्या 71.65, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तब ये सब जो भी परसेंटेज दिया हुआ आप क्या करें उनको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है आपसे, कन्वर्ट जो परसेंटेज आपने अभी परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लिया आपने, अब क्या रहा है कन्वर्ट इनटू द मोल नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है आपसे, कह रहा है कि आप इसको मोल नंबर में कन्वर्ट करिए। अब जो भी आपको दिया है उसको आप क्या कर लीजिए इसका मोल नंबर में निकाल लीजिए सभी का। अब मोल नंबर का फार्मूला होता है आपके पास, मोल नंबर निकालने का मोल इज इक्वल टू होता है मोल नंबर इज इक्वल टू होता है मास, यानी कि W अपॉन मोलर मास इंटू मोलर मास। ठीक है, मास इंटू मोलर मास, तो जो भी मास गिवेन है आपका उसमें क्या करिए मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसा देख लीजिएगा आपकी बुक में किया हुआ भी है, यहाँ पे क्या कर रहा है हाइड्रोजन का मास अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए यहाँ पे कितना निकाला था आप लोगों ने 4.07 ग्राम। अब देखिए यहाँ भी वही कर रहा है कि हाइड्रोजन का मास 4.7 ग्राम है और इसको क्या कर दिया है इसके मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास मतलब उसका एटॉमिक मास से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके साथ साथ देखिए ऐसे कार्बन, कार्बन को भी देख लीजिए आप, कार्बन का मास यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 24.27 था, तो आप यहाँ पे देखिए 4.27 और यहाँ पे क्या कर रहा है इसको 12 जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है, इसके एटॉमिक मास यानी मोलर मास से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेगा, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2.21। सेम यही प्रोसीजर किसके साथ किया जा रहा है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का भी मास क्या है यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्लोरीन का भी मास दे रखा है 71.65 ग्राम, तो अब देखिए 71.65, ये देखिए 71.65 आपका दिया है यहाँ पे, और जो है उसके साथ साथ हमें क्या कर दिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो ये 35.5 होता है, तो ये आपने इसने क्या कर दिया इस मास जो गिवन मास था इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2.021, ये आपका आ गया। अब जरा आगे समझिएगा, अब स्टेप थर्ड क्या करता है, यानी कि पहला स्टेप आपको क्या करना था जो परसेंटेज था परसेंटेज को आपने मास में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना था सेकंड स्टेप में आपने जितने भी मास आपने कैलकुलेट किए थे सबके एटॉमिक मास या मोलर मास रख करके आपने क्या कर दिया उसका जो है मोल नंबर निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करता है, थर्ड स्टेप में आप समझिए जरा, थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप में आपका, अब स्टेप थर्ड देखिए, थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका डिवाइड द मोल वैल्यू द ऑब्टेन अबव टू द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है इसमें से जो भी मोल जिस भी की भी मोल वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर है उसी से सबको क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में से किसका है, ये 4.404 है और 2.021 है और 2. अब जब देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो यही होगा। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे 2.02 से इसको डिवाइड करेंगे टू लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो देखिए ये थर्ड स्टेप में यही चीज यहाँ पे किया गया है। तो जब यहाँ पे क्योंकि देखिए आप लिखा भी गया है कि 2.021 है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसलिए सब सारे वैल्यू को डिवाइड करें, तो जो फर्स्ट वाला था फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 रेशियो आ गया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा जो रेशियो आ रहा है वो 2 आ रहा है, कार्बन का रेशियो 1 आ जाएगा और क्लोरीन का रेशियो 1 आ जाएगा। तो देखिए यही यहाँ लिखा गया है हाइड्रोजन कार्बन देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो आपका रेशियो लिखा गया है हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन आपका जो है 2 है और कार्बन कितना है 1 है
और क्लोरीन 1 रेशियो में आ रहा था। देखिए ये यहाँ लिख दिया गया। अब इसी रेशियो, ये जो आपका रेशियो हो गया, ये रेशियो आपका पता चल गया आपको, तो जब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। और रेशियो मैंने कैसे बोला निकालने के लिए बेटा, रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी मोल नंबर दिया गया है उस मोल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से सारे मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका स्मॉलेस्ट सिंपल रेशियो कहलाएगा। अब इसको क्या करना है हमको, फोर्थ स्टेप में आ जाइए। फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए बोल रहा है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाइए। कैसे बनाएंगे, कह रहा है बाय द मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग टू द सिंबल। सबसे पहले आप क्या करिए, सिंबल लिख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंबल को, क्या लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख दिया। अब जरा समझिए आप, किसके पहले जस्ट अभी जो कैलकुलेशन किया था आपने, तो आपने कैलकुलेशन में क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन में आपने देखा कि कार्बन सिंगल था और हाइड्रोजन क्या था, डबल। तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए डबल शो किया गया है यहाँ पे, और क्लोरीन सिंगल था। तो ये देखिए CH2Cl, ये आपका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो अभी आपने सिंपल रेशियो निकाला था, उसी सिंपल रेशियो को इस फार्मूले में रखने से, मतलब जो भी एलिमेंट है उनके पास रखने से क्या हो जाता है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है। तो ये तरीका था एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का। अब स्टेप 5 में क्या कहता है, कहता है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का टाइम आ गया है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाएगा जरा समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला है आपका है, इसी एम्पिरिकल फार्मूले से आप इसका एम्पिरिकल मास निकाल लीजिए। अब देखिए एम्पिरिकल मास क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल कार्बन का मास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो 2 इसका भी मास हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, ये क्लोरीन का मास है। अब जरा आप बताइए, आपकी इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका मास, 35 to 37, 37 to 39 और 49.5। बेटा 49.5 जो है आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एम्पिरिकल जो है मास आ जाएगा। देखिए आप लिखा है ना एम्पिरिकल फार्मूला मास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका निकल जाएगा कितना, 49.5, ये दिमाग बैठा लीजिए, 49.5 निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है रूल में। तो ये रूल जो है आगे हमारा जो प्रोसीड करता है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया, बुक में कैलकुलेट भी कर दिया, 49.48 निकाल भी दिया है। अब जरा देखिए, अब आप करेंगे क्या, डिवाइड द मोलर मास, मोलर मास को क्या डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास बाय द एम्पिरिकल फार मास। अब देखिए मोलर मास आपकी बात करूं बेटा, ये देखिए क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में क्वेश्चन में देखिए दिया था, ये देखिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 98.96, ये आपका क्या दिया हुआ था बेटा, मोलर मास गिवन था क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, इसी मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देना है। अब यही सम करिए, आप मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर, देखिए यहाँ पे डिवाइड द मोलर मास ना बाई एम्पिरिकल मास। अभी एम्पिरिकल मास क्या निकाला, 49.48 निकाल लिया। तो ये देखिए मोलर मास यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब मोलर, ये आपका मोलर मास हो गया, उसको डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल मास से। जब डिवाइड करेंगे, देखिए मोलर मास कितना दिया था आपका, 98.96 दिया था, और एम्पिरिकल मास अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना आ गया, 49.48 आ गया। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो आप निकालते हैं बेटा, इसके रेशियो आ जाता है 2, और ये रेशियो जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूज मैं सिखाता हूँ क्या होता है इसका यूज। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, करना क्या आपको, एम्पिरिकल जो फार्मूला आपने लिखा था उसको एक बार फिर से लिख लीजिए। लेकिन अभी करना क्या है, जो अभी भी एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट की ना, इसी से आप क्या कर दीजिए, ऑब्टेन अबव टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब जरा समझिए आप क्या करना है, जैसे आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या था बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला था आपका CH2Cl था। अब करना क्या है, इसी में आप देखिए CH2 है, तो आप CH2Cl है तो इसमें 2 का जो है आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कार्बन में करेंगे तो कार्बन सिंगल तो डबल हो जाएगा, ये देखिए C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन डबल है तो आप फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन दे दिया। क्लोरीन सिंगल था तो अब क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने से डबल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं फिर देखिए ये आपका निकल गया फार्मूला जा करके, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है एक्सरसाइज में दिए हुए बेटा, बहुत ही सिंपल स्टेप है,
आप जरा एक बार देखिए, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके अपना, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको ओवरऑल करना क्या है। सबसे पहले आपने किया गया जो क्वेश्चन लिखा है, यही क्वेश्चन था जिसको हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन दिया रहे तो ये जितने भी यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, जितने यहाँ पे गए, परसेंटेज को क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले मास में कन्वर्ट कर लीजिए। मास में कन्वर्ट करने के बाद इन सारे परसेंटेज को मास में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो इन आप क्या निकाल लीजिए, इनके सभी एलिमेंट्स का मोलर मास निकाल लीजिए, सॉरी मोल नंबर निकाल लीजिए। मोल नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया, जो मास दिया है इन सबके मास को डिवाइड कर दीजिए किसके, इन सबके एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जब इनका एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आप जो है जो मोल नंबर आएंगे तो उसमें से आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सबसे कम मोलर मास किसका है। तो जब सबसे कम मोलर मास होगा तो आप क्या करिए, उसी से सारे मोल्स को डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो निकाल लीजिए। जो सिंपल रेशियो आता है बेटा, उसको आप करते क्या है, मैंने बताया था आपको कि जो सिंपल रेशियो आएगा वहां पे एलिमेंट लिखिए, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। अब देखिए वहां पर देखने की कोशिश करिए कि किसका रेशियो कितना आया था। तो आपने जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखा कि जो इसमें कार्बन जो था वो सिंगल था, हाइड्रोजन डबल था और क्लोरीन का रेशियो भी 1 आया था। तो आपने यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया था CH2Cl। अब आपको फिर क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, फिर ये जो आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था इसी का एम्पिरिकल मास निकाल लीजिए। एम्पिरिकल मास निकालने के बाद करना क्या है कि आपको जो मॉलिकुलर मास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, इस जो मॉलिकुलर मास गिवन है इसी मॉलिकुलर मास को, ये जो मॉलिकुलर मास गिवन है इसी मॉलिकुलर मास को करना क्या है, जो एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आएगा आपका उसके एम्पिरिकल मास निकालने के बाद इसको उससे डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो एक यन नंबर्स में आएगा, उसको मतलब उसको यन मान लेंगे। अब करना क्या है, जो यन आपने कैलकुलेट कर लिया है उसे क्या करना है, यन को जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, देखिए लास्ट में यन की वैल्यू हम लोग निकाली थी। यन की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया था, जो हमारे पास सिंपल फार्मूला था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था जो कि यन की वैल्यू थी, तो हो गया आपका C2H4Cl2। ये आपका क्या निकल गया था, मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये सबसे बेस्ट फंडा था मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने का। ऐसे ही आप एनसीईआरटी बुक में आपके जो है काफी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करिए आप, और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, आप इनको जरूर सॉल्व किया करिए। जैसे ही एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद आप जो है अपनी बुक एनसीईआरटी बुक को के साथ साथ जो है आप जो है जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आती है उसका, उसको मंगवा लीजिए और अपने पास रखिए और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। बड़ा इंटरेस्टेड होता है, काफी क्वेश्चन जो होते हैं उसके कॉम्पिटिशन में जो आपके IIT और NEET से एग्जाम है उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर जरूर पढ़ना चाहिए आपको, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज देखिए, देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए बेटा। बिल्कुल आप जो है आपके पास बहुत टाइम, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, घर बैठे हैं आप आराम से, अपना टाइम बर्बाद मत करिए और इसका फायदा उठाइए। बेस्ट ऑफ लक।